गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम बैक इन ई लर्निंग क्लास बाय सविता सांगवान। टुडे यू विल लर्न हाउ टू अरेंज द फ्रैक्शनल नंबर इन ऑर्डर। सो लेट्स लर्न। फॉर दैट फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू कन्वर्ट अनलाइक फ्रैक्शन इनटू लाइक फ्रैक्शंस बाय टेकिंग एलसीएम ऑफ द डेनोमिनेटर्स, देन अरेंज द फ्रैक्शन इन असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर। आई थिंक इट इज़ क्लियर। आप अनलाइक फ्रैक्शन को लाइक में बदलेंगे, फिर एलसीएम कैसे बदलते लाइक में, एल से एल, लाइक एल से एल सी एम, देन आप उसे अरेंज कर पाएंगे। हम यहाँ भी हम कंपैरिजन कर रहे हैं तभी हम अरेंज कर पा रहे हैं। कंपैरिजन के लिए आपने प्रीवियस उसमें कंपैरिजन के लिए टू मेथड सीखे थे, दैट वर क्रॉस प्रोडक्ट एंड टू कन्वर्ट इनटू लाइक फ्रैक्शन बाय टेकिंग एलसीएम। तो बेटा यहाँ हम एलसीएम ही ऑप्ट क्यों कर रहे हैं, क्योंकि अगर हम क्रॉस प्रोडक्ट से कंपेयर कर करके करेंगे तो हमें हर टू टर्म्स को कंपेयर करना पड़ेगा, तो दैट विल बी लेंथी। सो वी विल कंपेयर बाय कन्वर्टिंग इनटू लाइक फ्रैक्शन, क्योंकि लाइक में कन्वर्ट करने के बाद जैसे आपके मार्क्स होते हैं आप इजीली कंपेयर कर लेते हो। लाइक किसी को 3 मिले आउट ऑफ 10, किसी को 4 मिले आउट ऑफ 10, किसी को 9 मिले आउट ऑफ 10, यू नो वेरी वेल विच टर्म विल कम ऑन फर्स्ट नंबर, विच विल कम ऑन सेकेंड, कौन सा किस नंबर पे, कौन सा हाइएस्ट कौन सा स्मॉलेस्ट है, ये सब आपको पता है। तो यही ऑर्डर होता है, ऑर्डर में अरेंज करना। तो इसके लिए बेटा असेंडिंग और डिसेंडिंग, असेंडिंग के लिए एरोप्लेन टू एयर मीन्स इंक्रीजिंग ऑर्डर, डिसेंडिंग डी फोर डिक्रीज, डी फोर डाउन, डी फोर डिसेंडिंग। जैसे स्टेयर्स में डिक्रीज करते हैं तो डाउन आ रहे हैं, यानी बिगेस्ट टू स्मॉलेस्ट। डिक्रीजिंग मीन्स बिगेस्ट टू स्मॉलेस्ट, और इंक्रीजिंग या असेंडिंग मीन्स स्मॉलेस्ट टू बिगेस्ट। आई थिंक इट इज़ क्लियर। सो टुडे वी विल डू द सॉल्यूशन ऑफ वर्कशीट 3 बेस्ड ऑन असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर। क्लियर टू ऑल? सो लेट्स स्टार्ट। सो लेट्स स्टार्ट द सॉल्यूशन ऑफ वर्कशीट 3 असेंडिंग डिसेंडिंग। इसमें कैसे करेंगे बेटा, आपको फर्स्ट ऑफ ऑल वही करना है, हमें इसको, ये अनलाइक है, अनलाइक को लाइक में बदलना है। तो यहाँ पे क्योंकि 2 फ्रैक्शन नहीं है, 4 हैं, तो हम क्रॉस प्रोडक्ट से कर तो सकते हैं लेकिन वो लेंथी हो जाएगा। 2 को कंपेयर करना पड़ेगा, फिर 2 को, नेक्स्ट 2 को, इस तरह से कंपेयर करना पड़ेगा, हर 2 को एक दूसरे के साथ कंपेयर करके, फिर इस तरह से कंपेयर करके हमारा काम होगा। तो उससे बेटर है कि हम एलसीएम ले लें। तो हमने ये सभी का 2, 6, 4, 8 इनका एलसीएम ले रहे हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल एलसीएम में क्या करते हैं, प्राइम नंबर से डिवाइड करते हैं। हम 2 से करेंगे, 2 से मोस्टली डिवाइड हो रहे हैं। 2, 1 इज़ 2, 2, 3 इज़ 6, 2, 2 इज़ 4, 2, 4 इज़ 8। ये हो गया फर्स्ट स्टेप। जूम कर देती हूँ आपको क्लियर दिख जाए। तो अब नेक्स्ट हम फिर से देख सकते हैं, आप 2 और 4 2 से हो रहे हैं, मोस्टली टर्म्स 2 से डिवाइड हो रही हैं। 1 एज इट इज़ 1 डिवाइड नहीं हो रहा 2 से, 3 एज इट इज़ 3 डिवाइड नहीं हो रहा, 2, 1 इज़ 2, 2, 2 इज़ 4। अब नेक्स्ट देखिए, 2 और 3 दोनों ही प्राइम नंबर है, अपनी अपनी ही टेबल में आएंगे और किसी टेबल में नहीं आते। सो वी विल डिवाइड दैम 1 बाय 1। पहले 2 से कर लेते हैं, 1 एज इट इज़ 3 एज इट इज़ 1 एज इट इज़ 2, 1 इज़ 2। नेक्स्ट इज अब 3 से करेंगे, 3 एक प्राइम नंबर और किसी टेबल में नहीं आता। 1 एज इट इज़ 3, 1 इज़ 3, 1 एज इट इज़ 1 एज इट इज़। अब हम इन प्राइम नंबर्स को मल्टीप्लाई करेंगे, 2, 2 इज़ 4, 4, 2 इज़ 8, 8 इज़ 3। कितना आएगा, ये मिस्टेक हुई हुई है, टाइपिंग एरर है। 2, 2 इज़ 4, 4, 2 इज़ 8, 8 इज़ 3 इज़ 24। क्लियर टू ऑल? तो नेक्स्ट देखिए, अब हम क्या करें, हमने ये फाइंड आउट कर लिया, देन हम 24 बनाएंगे। यहाँ एरर था, यहाँ करेक्ट है, ये 24 है। तो ये देखिए 24 हमने बनाने की कोशिश, लाइक में बदलेंगे। लाइक में कैसे बदलते हैं, वही आप 1 बाय 1 सबको 24 या 2 से 24 बनाना है। तो 2 को कितने से मल्टीप्लाई करें, 12 से। तो ऊपर कितने से कर दोगे, सेम से ऊपर करोगे मल्टीप्लाई, 12, 5, 60। आप अलग अलग भी लिख सकते हैं, पहले 5/2 को लाइक में बदल लीजिए, 12 से मल्टीप्लाई कर लिया तो 12, 5, 60, 12, 2, 24। ऐसे 1 बाय 1 हर टर्म को लाइक में बदल लिया। 6 को कितने से करें, 6, 4,
24 होता है। पहले हमने डेनोमिनेटर को देखा कितने पे लाइक में बदल रहा है, तो फिर सेम से न्यूमरेटर को 4 1 is 4 इस तरह से आप देख सकते हैं। आप डायरेक्टली भी कर सकते हैं, आपको पता चल रहा है। तो आपने क्या किया, यहाँ पे 6 को नीचे से 24 कब हुआ, 4 से मल्टीप्लाई करने हो तो ऊपर भी कर दिया। नेक्स्ट में देखिए 4 को कितने से मल्टीप्लाई करके 24 बन रहा है, ये सबका लाइक हो गया इसलिए एक साथ ही लिख दिया। ऊपर भी हमने 4 6 8 24 देन मल्टीप्लाई न्यूमरेटर एल्सो बाय 6 6 3 18, ये आप देख सकते हैं जल्दी हो जाएगा, इससे शॉर्टकट है। 8 3 24 तो ऊपर भी कितने से करेंगे, 3 से, तो 3 3 9, तो नीचे का तो हमने सबका 24 ही बनेगा, सेम लिख दिया। तो ऊपर वाले को हम जितने से नीचे से मल्टीप्लाई करके 24 बना है सेम से न्यूमरेटर मल्टीप्लाई होगा, क्योंकि वो एक फ्रैक्शनल नंबर है। अब कंपेयर करना ईजी है हमारे लिए। सबसे असेंडिंग मीन्स आपको पता है एरोप्लेन टू एयर, तो फर्स्ट ऑफ ऑल 4 विल कम, 4 इज द स्मॉलेस्ट, देन 9 9 सेकेंड आफ्टर 4 स्मॉलर है देन अदर, बट स्मॉलेस्ट क्या है, 4 है। अब उसके बाद 18 है, फिर 60 है। अब ये 4 किसका फ्रैक्शन था, 4 1/6 का, तो फर्स्ट नंबर पे आ गया 1/6। 9 किसका है, 3/8 का, तो 3/8 सेकेंड नंबर पे। उसके बाद 18 किसका है, 3/4 का, फिर 3/4, देन 5/2। आई थिंक इट इज़ क्लियर। सेम इसी तरह से बी पार्ट को सोल्व करेंगे, देख लेते हैं एक बार, जूम कर देती हूँ मैं, ध्यान देंगे पहले हम उसका वो देख लेते हैं। देख लीजिए किन किन नंबर का, थोड़ा सा वो करके दिखा रही हूँ पहले, किन किन नंबर का हमें एलसीएम फाइंड आउट करना है, क्योंकि हमें लाइक में बदलना पड़ेगा तभी हम कंपेयर कर पाएंगे। मैंने बताया था बेटा एलसीएम वाला मेथड ज़्यादातर ऑप्ट किया जाता है, कंपैरिजन टू टर्म्स में हो तो हम क्रॉस, सी से कंपेयर, सी से क्रॉस प्रोडक्ट, तो टू में हो तो क्रॉस प्रोडक्ट से काम चल जाता है। इसमें लेंथ ही हो जाएगा क्रॉस प्रोडक्ट से, तो इसमें हम अनलाइक को लाइक में ही बदलेंगे, क्योंकि फिर हमें कंपेयर, जैसे आपकी क्लास में भी कितने ही बच्चे हो, हम इजीली कंपेयर कर लेते हैं कि इसके हाईएस्ट हैं, इसके सेकंड हाईएस्ट हैं, इसके थर्ड हाईएस्ट हैं, इस तरह से। तो कितने ही टर्म्स में हम इजीली अगर लाइक में बदल दिया है तो ईजिली हम कंपेयर कर पाते हैं। अब इधर देखिए इसका एलसीएम फाइंड आउट करते हैं लाइक में बदलने के लिए, 9 12 4 6 इसका एलसीएम करना है, तो मैं उसको जूम कर रही हूँ। तो ये देखिए पहले हम मोस्टली टर्म्स जो हैं 2 से डिवाइड हो रही हैं, 2 6 9 डिवाइड नहीं हुआ एज इट इज़ लिख लिया, 2 6 12, 2 2 4, 2 3 6। अब देखिए फिर से 2 से 9 एज इट इज़, 2 3 6, 2 1 is 2, 3 एज इट इज़। नेक्स्ट 3 से आप देख सकते हैं मोस्टली टर्म्स 3 से हो रही हैं, 3 3 is 9, 3 1 is 3, 1 एज इट इज़, 1 एज इट इज़, 3 1 is 3। तो हम प्राइम नंबर से डिवाइड करते जा रहे हैं, अब 3 से फिर से होगा क्योंकि 3 एक प्राइम नंबर है और किसी टेबल में तो आता नहीं, 3 1 is 3, 1 एज इट इज़, 1 एज इट इज़, 1 एज इट इज़। नाउ वी हैव गॉट 1 1 एज क्वेश्चंट, सो वी विल स्टॉप दिस प्रोसेस। जब हमें 1 1 मिल जाता है एंड में तो हम उस प्रोसेस को एंड कर देते हैं। नाउ वी विल मल्टीप्लाई दीज टर्म्स, 2 2 4, 4 3 12, 12 3 36, क्लियर है? तो 36 आ गया हमारा। अब देखते हैं 36 के लिए, अब हम 36 बनाने की कोशिश करेंगे। 9 को कितने से करें मल्टीप्लाई, नीचे तो हमने 36 लिख दिया, तो 9 को कितना किया, कितने से मल्टीप्लाई किया गया होगा 36 बनाने के लिए, 4 से, तो ऊपर हम किससे करेंगे, 4 से, 2 4 8। नेक्स्ट को देख लेते हैं, 12 को कितने से किया होगा 36 बनाने के लिए, 3 से, तो ऊपर 3 से, 5 3 15। नेक्स्ट 4 को 9 से, तो ऊपर 9 से, 7 9 63। 6 को 6 से, तो ऊपर किससे किया होगा, 6 से, 6 1 is 6। नीचे का सबका 36 ही बनना है, लाइक में बदल जाना है तो सबका एक साथ ही लिख दिया 36, बिकॉज डेनोमिनेटर इज सेम। अब हम कंपेयर कर लेंगे विच इज स्मॉलेस्ट, 6 यानी 1/6 इज स्मॉलेस्ट, तो 1/6 विल कम ऑन फर्स्ट नंबर, देन 8, सो 8 किसका है, 2/9 का, तो सेकेंड नंबर पे 2/9, देन 15, 15 किसका है, देखिए 15, 5/12, तो वही लिखा, देन 7/4, आई थिंक इट इज़ क्लियर। नेक्स्ट देखिए डी पार्ट, डी के लिए हम पहले वही लाइक में बदलेंगे अनलाइक को, तो लाइक के लिए देखिए बेटा
हमने हमारे पहले तो नंबर को नॉर्मल बना लीजिए, वन के हाफ नहीं किए हुए, हाफ हाफ में डिवाइड करना है, तो वन के टू हाफ टू, और वन थ्री, 3/2, 11/2, 5 3s 1 से 5 बनना है, तो 3 से 3 times 5, 3 5s 15, और 2 17/5, 7/3, ओके। तो इस तरह से हमने इसको कर लिया। अब हम क्या करें, 2 6 5 3 को हम क्या करेंगे, इनका एलसीएम फाइंड आउट करेंगे। 2 से मोस्टली डिवाइड हो रहे, 2 1 is 2, 3 2 3 6, 5 as it is डिवाइड नहीं हुआ 2 से, 3 भी डिवाइड नहीं हुआ। अब देखिए मोस्टली 3 से डिवाइड हो रहा है, 2 3 हैं, तो 3 से करेंगे, 3 1 is as it is, 3 1 is 3, 5 as it is, 3 1 is 3, जो डिवाइड ना हो उसे ऐसे कैसे लिख लेते हैं। फिर किस प्राइम नंबर से डिवाइड करें, 5 से, 5 एक प्राइम नंबर ही है, 1 as it is, 1 as it is, 5 1 is 5, 1 as it is। नाउ मल्टीप्लाई द प्राइम फैक्टर्स, 2 3 6 6 5 30, 30 आ गया एलसीएम। अब वी विल मेक द डेनोमिनेटर 30, 30 बनाना है, 30 बना दिया हमने, तो अब हम 2 को कितने से मल्टीप्लाई करें कि ये 30 बन गया है, तो ऊपर उतने से ही करेंगे, 15 से। देखिए 2 के अलावा क्या फैक्टर बताया बचा हुआ है, 5 3 15, तो 15 से मल्टीप्लाई करेंगे, 15 3 45। नेक्स्ट देखिए 6 को कितने से किया होगा 30 बनाने के लिए, 5 से, तो ऊपर 5 से, 11 5 55। 5 को कितने से किया होगा 30 बनाने के लिए, 6 से, देन वी विल मल्टीप्लाई बाय 6 टू द 17, 17 6 are 102। 3 को कितने से किया होगा, 10 से, देन वी विल मल्टीप्लाई द न्यूमरेटर आल्सो बाय 10, 7 10 70, इस तरह से। तो बेटा अब फर्स्ट नंबर पे क्या आएगा, 45, 45 किसका, 1 1/2। सेकेंड पे 55, 11/6। थर्ड पे 70, 7/3 का है, तो 7/3, और फोर्थ पे 1 left, दैट इज 3 and 2/5। एक और चीज़ देखिए, इसमें एक चीज़ क्लियर थी, या वन वन एंड हाफ, यानी वन और कुछ पार्ट है, यहाँ पे 3 है, तो 3 तो सबसे बड़ा है, ये इनमें से हो सकता है, लेकिन ये अभी हमें कुछ कुछ आइडिया था कि 3 लास्ट में आएगा, 3 वाला, 1 वाला अभी पता नहीं था कि फर्स्ट पे आएगा या नहीं आएगा। 11 और 7/3 को कंपेयर करना पड़ता है इनके साथ, तब हमें थोड़ा सा आइडिया हो गया था, लेकिन ओके आगे चलेंगे बेटा। ओके लेट्स स्टार्ट सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन में वही असेंडिंग की बजाय डिसेंडिंग में करना है। डिसेंडिंग, डी से दादाजी, डी फोर डाउन, डी फोर डिक्रीज, तो डाउन नीचे आना है, आप स्टेयर से ऊपर से टॉप फ्लोर से नीचे आना है, तो छोटी 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 उसमें नंबर्स को इस तरह से हम अरेंज करेंगे, सबसे बड़ा, छोटा 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 छोटा, जैसे स्टेयर्स होती हैं। अब आगे चलेंगे, तो इसके लिए हम क्या करें, फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल फाइंड आउट द एलसीएम। तो देखिए एलसीएम के लिए हमने किस किस का करना है, 10 15 6 30, तो हमें इनका ही करेंगे। अब ये देखिए सारे किससे डिवाइड हो रहे हैं, 5 से, 5 एक प्राइम नंबर है, 5 2 10, 5 3 15, 6 नहीं हुआ तो एज इट इज, 5 6 30। हम इसमें कोशिश करते हैं कि मैक्सिमम नंबर डिवाइड हो जाए, ऐसा कॉमन फैक्टर जो सबको मैक्सिमम को डिवाइड कर दे। अब 2 से हो रहे हैं, क्योंकि 6 6 और 2 2 से हो जाते हैं, 2 1 is 2, 2 3 as it is वो डिवाइड नहीं हुआ, 2 3 6, 2 3 6। नेक्स्ट नेक्स्ट देखते हैं, 3 से, 3 1 as it is, 3 1 is 3, 3 1 is 3, 1 as it is, 3 1 is 3। तो आप देखिए इनको मल्टीप्लाई करेंगे, 5 2 10, 10 3 30, 30 is the LCM। अब 30 बनाने के लिए हम क्या करें, 10 को कितने से करें होगा मल्टीप्लाई, 3 से, तो ऊपर 3 से कर दीजिए, 3 3 is 9। नेक्स्ट में देखिए 15 को कितने से किया होगा 30 बनाने के लिए, 2 से, तो ऊपर 2 से, 7 2 14, क्योंकि अब डेनोमिनेटर चेंज हो चुका है, तो पर्टिकुलर हर एक टर्म का न्यूमरेटर चेक कर लीजिए, जब वो 30 उसका डेनोमिनेटर 30 बना है, तो कितने से मल्टीप्लाई होकर बना है, तो उसको भी सेम से करना है। अब देखिए 6 को कितने से करें, 5 से, तो ऊपर वाले को 5 से, 5 5 25, नीचे 30 वाले को 1 से ही करेंगे, तो 1 ही रहेगा, ऊपर वाला भी 1 से ही, तो अब सबसे छोटा क्या है, 1 है, तो 1/30 फर्स्ट नंबर हमें यहाँ पे डिसेंडिंग ये लास्ट में आएगा, ध्यान रखना 25 वाला पहले, सबसे पहले, तो 5/6 विल कम फर्स्ट, देन सेकंड नंबर पे सॉरी 14, 14 वाला 7/15, देन 9 वाला 3/10, देन 1/10, क्लियर है। अब हम बी पार्ट करेंगे, इसमें देखिए इसका वो रह गया बेटा,
रफ वर्क में वो शो नहीं किया हुआ, वो कर लेना, यहाँ पे मैं शो कर रही हूँ, ध्यान दीजिएगा। 14, 5, 7, 10, तो देखिए किस प्राइम नंबर से मोस्टली डिवाइड हो रहे हैं, तो 5 और 7 से हो रहे हैं, तो हम पहले 5 से कर लेते हैं। 14 एज इट इज़ डिवाइड नहीं हुआ 5 से, 5 1 इज़ 5, 7 एज इट इज़, 5 2 इज़ 10। अब देखिए अब मोस्टली किससे हो रहे हैं, 7 और 2 से हो रहे हैं, तो किसी भी एक से कर लीजिए, 7 भी प्राइम है और 2 भी। 7 2 इज़ 14, 1 एज इट इज़, 7 1 इज़ 7, 2 एज इट इज़। अब चलेंगे, अब किससे होंगे, 2 से, 1 एज इट इज़, 1 एज इट इज़, 1 एज इट इज़, 2 1 इज़ 2। मल्टीप्लाई द टर्म्स, 7 2 इज़ 14, 14 5 70, एलसीएम आ गया 70। तो अब क्या करें, 70 बनाने के लिए 14 को कितने से किया होगा, 5 से, तो ऊपर 5 से, 5 3 इज़ 15। 5 को 70 बनाने के उल्टा है, 14 5 ज़ार 17, तो 5 14 ज़ार 17, ऊपर 14 से, 14 7 ज़ार 98। 7 को कितने से किया होगा, 70 बनाने के लिए 10 से, तो ऊपर 10 से, 9 10 90। हर डेनोमिनेटर को चेक किए करिए कि उसका डेनोमिनेटर कितने से एलसीएम के इक्वल हो रहा है, उस सेम से न्यूमरेटर को करिए, 10 7s, तो ऊपर 11 7 77। आप देखेंगे मैक्सिमम कौन सा है, 7/5, दूसरे नंबर पे 9/7, थर्ड नंबर पे 11/10, फोर्थ पे 3/14। डी में देखिए, 6 2s 12, 12 5, 17 17/6, 7/18, देन 4 4 16, क्योंकि 1 के 4, तो 4 के 4 टाइम्स ज़्यादा होंगे, ज़्यादा के लिए मल्टीप्लाई, 4 4 16, और 1 17/4, देन 10/9। अब क्या करेंगे, वी विल टेक एलसीएम, 6 18 4 और 9, तो देखिए 6 18 4 और 9। देखिए यहाँ पे आपका मल्टीपल मेथड भी लगता है, जो ट्रिक मैंने बताई थी वो भी एप्लीकेबल है, वो भी रिमाइंड करा दूँ आपको मैं। इसका ही 70 का यहाँ किया हुआ था, ये ध्यान ही नहीं किया। ओके, तो सी पार्ट का नहीं है यहाँ पे शायद, हाँ जी सी का नहीं है, तो उसको देख लेंगे पहले, डी हम करने लग गए। ओके, तो अब कैसे करें, मैक्सिमम जो जिस 2 से डिवाइड हो रहे हैं, तो 2 से करेंगे, 2 3 6, 2 9 18, 2 2 4, 9 डिवाइड नहीं हुआ तो ऐसे कैसे। अब 3 से हो रहे मोस्टली, 3 1 इज़ 3, 3 3 इज़ 9, 2 एज इट इज़, 3 3 इज़ 9। अब 3 से हो रहे हैं फिर से, 1 एज इट इज़, 3 1 इज़ 3, 2 एज इट इज़, 3 1 इज़ 3। अब 2 से 1 1 आ गया, नाउ मल्टीप्लाई द प्राइम फैक्टर्स, 2 3 6, 6 3 इज़ 18, 18 2 36। तो इस तरह से बेटा आप 36 बनाने की कोशिश करेंगे, 36 हम डेनोमिनेटर में तो लिख देंगे, सबका यही बनने वाला है, तो ये पहले वाले डेनोमिनेटर को कितने से मल्टीप्लाई किया 36 बनाने के लिए, 6 से, तो ऊपर 6 से, 17 6 r 102। 18 को कितने से, 18 2s 36, तो 7 2s 14। 4 को कितने से, 4 9s 36, 7 9 17 9s 153, 9 4s, देन 10 4s 40। अब इनको अरेंज कर लेंगे, 153 पहले पे, तो 17/4, यानी 4:1/4, दूसरे पे 102, यानी 17/2:2/5, तीसरे पे क्या आएगा, 10/9, चौथे पे 7/18। एक रह गया, एक और डिस्कस कर लेते हैं, ये कुछ बच्चे एनोटेशन यूज़ कर रहे हैं, देखिए एक बार यहाँ पे 20। देखिए मैं अब मल्टीपल मेथड से भी बता रही हूँ आपको, एलसीएम कैसे लेते थे आप भूल गए शायद। इसमें हाईएस्ट जो वो है 100 है, 100 की टेबल को रिसाइट करें, 100 1 इज़ 100, 100 सबकी टेबल में आ रहा है, 20 में, 10 में, 50 में, इट मीन्स 100 विल बी द एलसीएम। तो डायरेक्टली आप इस तरह से भी कर सकते हैं, 100 एलसीएम आ गया, 20 को कितने से करा होगा, 5 से, तो ऊपर 5 से कर दीजिए, 9 5 45। 10 को कितने से किया होगा, 10 से, 10 10 100 होता है, 2 10s, 20। 50 को कितने से किया होगा, 2 से, तो ऊपर 2 से करेंगे, 7 2s 14। 100 को 1 से, तो ऊपर भी 1। अब विच इज़ मैक्सिमम, 45, तो पहले वाला ही 9/20 आएगा फर्स्ट पे, सेकंड वाला सेकंड पे, थर्ड वाला थर्ड पे, यहाँ ये इजी है, तो इस तरह से आप इसे करेंगे। आई थिंक इट इज़ क्लियर टू ऑल, तो इस तरह से आप बिल्कुल इजी है बेटा, असेंडिंग डिसेंडिंग इस तरह से आप